बैक टू द चैनल। और आज बहुत दिनों के बाद करीबन 2-4 करोड़ साल के बाद आज हम वापस से जा रहे हैं एक राइड पे जो कि 100 किलोमीटर का है। और अभी हमने 5-6 किलोमीटर ऑलमोस्ट तय कर लिया और अभी हम हैं कुकड़ा गेट में बंडा मुंडा। पीछे देखो बंडा मुंडा का वो क्या है भाई, वो क्या भी नहीं कुछ ना। टोटल 4 हैं, गोलू अभी स्टार्टिंग से ही फोटो शूट पे पागल हो गया, फोटो चाहिए। और ये सुजीत पंडा द सायर, ये इसको तो जानते होगे, ये चेहरा जाना पहचाना लखन, ये गोलू ऑप्टिमस जा रहा है और अपना लूसीफर जा रहा है साथ में। देख अरे भाई, ये इसका वीडियो तो मैंने बनाया ही नहीं। व्हील कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो को। और भाई हेलमेट का हाल देखो, ले लिया हूँ हेलमेट लेकिन देख रहे हो कितना स्क्रैच है, पहनने का इच्छा नहीं कर रहा है इस वजह से पहना नहीं हुआ। तो क्या लौंडे आज मज़ा आएगा, यहीं से खूबसूरती चालू हो गई। पूरा खेत है, वहाँ पहाड़, अभी हम खड़े हैं यहाँ के सबसे अच्छे रोड पे, सबसे अच्छे रोड पे, दोनों साइड पहाड़ और बीच में काट के रोड बनाया गया है। यार क्या मतलब, इतना अच्छा व्यू है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोग फोटो वोटो भी लेंगे और वो फोटोज़ आपको इंस्टाग्राम पे दिखने मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो ना मेरे भाई, जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, जा कर के जल्दी से फॉलो करो मेरे भाइयों।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं महादेव साल। ये था हमारा आज का डेस्टिनेशन। 100 किलोमीटर्स का सफ़र तय करके हम यहाँ पे आए हैं आज। और अभी सावन जस्ट चालू होने को आया है, होने वाला है, और उससे पहले ही हम लोग आ गए। ये पूरा एरिया यहाँ पे मेला लगता है यहाँ पे, लेकिन अभी क्या है लॉकडाउन की वजह से शायद इस बार ऐसा मजा देखने नहीं मिलेगा जैसे हर बार देखने मिलता है। सुजीत पंडा कैसा लग रहा है बाइक पे यहाँ पे आके? बाबा के दर्शन फाइनली हो गए और आई एम श्योर कि सावन बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि सावन से पहले हम लोग बाबा के दर्शन करने आए, वो भी 100 किलोमीटर्स का सफ़र तय करके जंगल के बीच से होते हुए, और भक्तों की आवाज़ नीचे। एक फैमिली आई हुई है जो कि पूरा फैमिली है और लग रहा है कि बहुत बड़े भक्त है वो भी महादेव के। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस दर्शन हो गया है, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और सीधा होल्ड लेंगे हम लोग मनोहरपुर में, और वहाँ पे लंच वंच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं मतलब पूरा जंगल ही है बॉस, कहीं भी एक छोटी सी भी दुकान नहीं दिख रही है। एक दुकान दिखी थी, बहुत ज़ोरों की प्यास लगी हुई थी, तो हम लोग वहाँ पे रुक करके पानी वानी पिए, और आई थिंक अभी जाते वक्त भी वहीं पर रुकेंगे हम लोग, क्योंकि रास्ता तो देखे हो पूरा जंगल है। और उससे पेमेंट चावल पापड़ भाई, स्वीट भी है, पता नहीं वो मशरूम की सब्जी शायद, सैलेड, आम भाई खतरनाक। थैंक यू। अभी हम लोग गोलू के रिलेटिव के घर आए और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं लंच भाई। खतरा भी साइकिल तो देखो, ओ माय गॉड, अमेजिंग भाई, जिंग जिंग। ये हमारा स्टाइल वाला है, स्टाइल वाला है भाई। खतरा, ये दो जन हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, सुबह सुबह तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी और अभी झमाझम बारिश हो रही है बाहर। आया तो वीडियो बना व्लॉग। अरे बारिश पूरा देख, रामू भाई से पूछो क्या होने लगा, बारिश क्या होगा जी, रामू भाई बताइए। अभी अभी लखन को भी छोड़ने जाना है भीग करके। आज मंगलवार है और मैं गया था राइड पे संडे को, और मंडे मेरा ऐसे ही घूमते फिरते दिन चला गया और मैं वीडियो जो है ख़त्म नहीं कर पाया। और फाइनली कल जब मैं रात में पबजी खेल रहा था तब मुझे एक मैसेज आया कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया इंडिया में, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और चाइना भाई तुम्हारी तो अब लगने वाली है, और इंक्लूडिंग टिकटॉक। तो टिकटॉकर्स मेरे भाइयों, तुम लोगों को तो क्या ही मैं बोलूं। तो भाई बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। टाटा।